जम्मू कश्मीर के राजौरी थाना मंडी में पीडीडी कर्मचारी की मौत हो गई। डीडीसी सदस्य ने मौके पर जाकर पीडीडी के गलत अधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग। अधिकारियों ने बताया कि थाना मंडी राजधानी में बिजली विकास विभाग पीडीडी ने एक दैनिक जागरण की मंगलवार को मृत्यु हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि कर्मचारी की पहचान बंगई थन मंडी के मखना के वाली मोहम्मद पुत्र के रूप में हुई। बिजली के झटके से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्टेशन हाउस ऑफिसर ने बताया कि एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इसके अलावा अब्दुल कयूम मीर डीडीसी सदस्य मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी के लिए सरकारी नौकरी और मृतक को उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि एक विवरण probe.pdd के गलत अधिकारियों के खिलाफ आदेश दिया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर से सुहैब रंगरेज की रिपोर्ट। मौके पर खुद भी देखा, जो विजुअल देखा है आपने, वो सब कुछ आपके सामने था। वो हमारा एक गरीब लड़का जिसके घर में कोई सहायता नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं, एक यही था और इसको कॉन्ट्रेक्चर बेस पे लगाया हुआ था। और जो परमानेंट मुलाजम थे वो इसके साथ थे। इसकी ड्यूटी ऑलरेडी बंगाई में थी, 3 दिन ये पहले बंगाई में था। अब इसकी बीवी जो थी वो पेशेंट है, वो हॉस्पिटल राजौरी में है, वो बीपी की पेशेंट है। इसको 6 बच्ची हैं और ये घर में था। आज ये इसकी डेथ यहाँ हो चुकी है। अभी हमें अभी अभी इतला मिली है कि उसको शॉट हो गई है, वो भरतपुरी पुल पर शॉट हो गई है। वहाँ कहाँ गया वो दो जो परमानेंट मुलाजम थे, उन्होंने इसको चढ़ाया और पीछे से उनको बिजली, जो बिजली वालों ने बिजली छोड़ी और उसको यहाँ इसको मार दिया गया है। लिहाजा मैं इस वक्त तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा नहीं, एक SHO साहब के बना यहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आदमी नहीं है। मैं हम अपील करते हैं कि हमारे पास यहाँ DC साहब होने चाहिए, SP साहब होने चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी और थाना मंडी की तहसील के एक तहसीलदार साहब भी यहाँ अभी नहीं आए हैं। बाकी कौन यहाँ हमारे पास आएगा, इन गरीबों की कौन सुनेगा। इनको लगाया जाता है और इनको चलाया जाता है पोलों पे, फिर इनको पीछे से पावर छोड़ के इनको मारा जाता है। जो सही मुलाजम थे वो परमानेंट मुलाजम थे, जब इसको शॉट लगी मैंने सुना है वो दो मुलाजम भाग गए हैं। क्यों भागे हैं वो, अगर इसको शॉट लगी है वो दो क्यों भागे हैं। लिहाजा मेरी साजिश हुई है क्योंकि इसको बंगाई से हटाया और पारसपुरी लाया गया और यहाँ साजिश हुई है। दो आदमी इसका साथ गया और नीचे खड़े इसको ऊपर चढ़ाया गया और पीछे से पावर छोड़ी गई, ये तो साजिश है। एक तो होगी अचानक शॉट लग जाए वो अलहदा मसला है, दो आदमी नीचे बैठे हैं और तीसरे को ऊपर शॉट लगती है। पीछे क्या पीछे भी नहीं बैठे हैं उसके, डिपार्टमेंट वाले पीछे नहीं बैठे हैं। या ग्रिड स्टेशन में आदमी वो क्या कर रहा है, उस आदमी से पूरी इसकी वेरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए कि उसने ग्रिड स्टेशन पर क्यों पावर छोड़ी पीछे से। एक आदमी को ऊपर चढ़ाया हुआ है, या तो इन्होंने बुलाया नहीं उनको इसको ऊपर चढ़ा के, तो पीछे को बुलाया पावर छोड़ो, ये तो साजिश हुई है और गिनी चुनी साजिश हुई है हमारे साथ। उसको भरतपुरी छोड़ते हैं। मौके पर पहुँच गया, ये वाकया जो देखने में आया या मैंने जो पर्सनली इसमें जो मालूम किया है कि ये बिजली वालों की लापरवाही की वजह से इसकी मौत होगी। उधर से इसको पोल पर चढ़ा रहे हैं, उधर से बिजली छोड़ रहे हैं। तो ये नौजवान था, 6 बच्चियां हैं इसकी छोटी छोटी, इसकी जो बीवी है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, बाप भी बीमार है, कोई सहारा नहीं है। भी ये नीड बेस, कभी तनख्वाह मिलती है कभी नहीं मिलती। तो अब मेरी ये एडमिनिस्ट्रेशन से या सरकार से, खासकर बिजली डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम अब हादसा हो गया, बंदे की जान चली गई और अब जिसकी भी लापरवाही हुई है नुकसान हो गया, तो इसमें कम से कम इसका कोई कार का फ़र्द जो है इसकी जगह एडजस्ट किया जाए, तो इसको माकूल जो है मुआवजा दिया जाए और जो जो इसमें इन्वॉल्व हैं जिनकी वजह से ये लापरवाही की वजह से इसकी मौत हुई है उसकी बाध्यता कार्रवाई हो और केस रजिस्टर हो। समझता हूँ जो मैंने मौके पर ये देखा है कि बहुत बड़ी लापरवाही है, चाहे वो ग्रिड स्टेशन हो या जो साथ में थे जो मुलाजम उनकी बात हो, क्योंकि इसको ऊपर चढ़ाया गया और बिजली की तरफ जो है वो नहीं देखा गया, बिजली चल रही है नहीं चल रही है तो बंदे की जान चली गई। ये तो मैं समझता हूँ एक किस्म का कत्ल है, तो इसकी जो है बड़ी एक तो जांच की भी ज़रूरत है और इसको माकूल जो है वो मुआवजा भी मिलना चाहिए क्योंकि बहुत ही गरीब है। मेरी DC साहब से बात हुई, SSP साहब से भी बात हुई, तो उन्होंने कहा है कि हम जो कंसर्न डिपार्टमेंट के एक्सीन हैं या कोई और है वो उनको भेज रहे हैं, अब टाइम काफ़ी हो गया है, उन्हीं का वेट कर रहे हैं। लोग दर्दार हो रहे हैं क्योंकि इसका जो है कफन दफन भी करना है, ये बंगाई का रहने वाला है, दूर दराज इलाका है, लोगों को बड़ी परेशानी है। उसके जितने रिश्तेदार हैं वो यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, उधर से ट्रैफिक भी बंद है, मुसाफिर जो रजौरी से थाना मंडी या थाना मंडी से रजौरी जो आने जाने वाले हैं उनको भी दर्दारी हो रही है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो इसमें इमीडिएट जो है एक्शन की ज़रूरत है। और मैं आपके चैनल के थ्रू ये कहना चाहूँगा कि इमीडिएटली वो यहाँ पहुँचें और इनको जो है पैसिफाई करें, कोई एश्योरेंस दें ताकि ये जो है डरना यहाँ से।